हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुक विद फूडीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और उस अवसर पर दिवाली के हम काजू रोल बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं काजू रोल बनाना। दोस्तों, काजू रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप फुल क्रीम दूध लेंगे, उसको चढ़ा देते हैं और गैस को ऑन कर लेते हैं। इस दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि 1 कप न रह जाए। जैसे हमने 2 कप इसमें दूध चढ़ाया था, तो हमें उबालते हुए इसको 1 कप कर देना है और लगातार चलाते हुए इसको उबालेंगे कि जिससे इसमें मलाई ना पड़े। दोस्तों, जब तक हमारा दूध उबल रहा है, हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें 1 कप काजू डाल देंगे, क्योंकि हमें पीसना है इसलिए हमने टुकड़े वाले काजू लिए हैं। और इसी समय हम 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट है वो इसमें डाल देते हैं और इसको बारीक पाउडर बना लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा काजू पिस गया और बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल ऐसा ही हमें पीसना है। और दोस्तों देखिए, हमारा दूध भी उबाल आने लग गया है और इसमें हम 1/2 कप शुगर डाल देंगे और इसको अभी थोड़ा सा और पकाएंगे जिससे थोड़ा सा दूध और कम हो जाए। दोस्तों देखिए, हमारा दूध पक गया है और लगभग 1 कप इसमें दूध बचा है। और इसी समय हम जो काजू और डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर बना के रखा था वो सारा इसके अंदर हम डाल देते हैं और गैस को हम धीमी कर देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। और इसको जब तक हमें पकाना है, जब तक ये बिल्कुल एक डो की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। देखिए, डो की कंसिस्टेंसी में आ गया और इसी समय हम 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अभी थोड़ा सा हमें और पकाना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, इसको थोड़ा सा और थिक करना है कि बिल्कुल डो की तरह तैयार हो ये। और देखिए, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा बना है। और एक बार इसको आप ट्राई जरूर करिएगा, आप बाजार की महंगी मिठाइयां भूल जाइएगा और घर में हमेशा काजू रोल फिर बनाएंगे आप, और बहुत झटपट और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। देखिए, काफी अच्छे से ये थिक हो गया है और पैन ने भी इसको छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छा है। इसको 1-2 मिनट हम और पका लेते हैं। देखिए, काफी अच्छे से पक गया है और इसी समय हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना है। इसे 50% तक हमें ठंडा कर लेंगे, पूरे से नहीं ठंडा करेंगे, 50% तक ठंडा कर लेंगे। देखिए, हमारा जो डो है 50% के आसपास से ठंडा हो गया, छूने में गुनगुना सा है। और इसको हम ऐसे ही मलहार लेंगे कि खूब स्मूथ हो जाए, बहुत सॉफ्ट। इससे ऐसा करने से ना जो काजू रोल होता है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे हमारे। आप चाहे तो स्पून से कर लीजिए या आप हाथ से भी इसको अच्छे से, जैसे आटा सॉफ्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, जिससे हमारे काजू रोल बहुत सॉफ्ट बनते हैं। देखिए, इसमें कितना ऑयल भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें कोकोनट है, काजू है, उसने अपना ऑयल छोड़ा है। हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है और हाथ में भी कोई हमने ऑयल नहीं लगाया है। अब इसका हम एक रोल बना लेंगे। कोई भी बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर ऐसे रोल करते जाएंगे। जितना भी आपको मोटा रोल करना है, आप उतना मोटा इसका रोल बना लीजिए। देखिए, हमारा रोल तैयार है। अब एक फॉइल पेपर हम ले लेंगे, जितना बड़ा रोल है उतना बड़ा फॉइल पेपर ले लेंगे और उसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ पिस्ता है वो बुरक देते हैं। और इस पिस्ते के ऊपर हमने जो काजू का रोल बना के रखा है ना, वो रोल हम इसके ऊपर आराम से रखेंगे और इसको सेट कर देते हैं।
और इस फॉइल पेपर को हम इसमें रोल कर देंगे। थोड़ा सा पिस्ता और डाल देते हैं, इसको टाइट हम थोड़ा सा रोल करेंगे जिससे हमारा शेप रोल का बना रहे, और इसको राउंड कर देते हैं पूरे से, और एक दो बार ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल गोल हमारा रोल तैयार होगा। और इसको लॉक करके हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। हमारे 1 घंटा हो गया है और इस रोल को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसको खोल लेंगे, बहुत अच्छे से सेट हुआ है। इसकी फॉइल पेपर हम निकाल देते हैं, देखिए पिस्ता भी कितने अच्छे से इसमें चिपक गया है। और इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगा देंगे। आप चाहे तो बिल्कुल ऐसे भी आप रोल काट सकते हैं, लेकिन चांदी का वर्क लगा देने से थोड़ा सा सुंदर लगने लग जाता है, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आ जाता है इसमें, और फिर लगेगा भी नहीं कि आप घर में बनाया, लगेगा बाजार से आप लेके आए हैं। दोस्तों देखिए हमारा वर्क बहुत अच्छे से चिपक गया है। अब इसके हम 1/2 सेंटीमीटर के सर्किल है वो काट लेते हैं, आराम से काटिएगा कि हमारे काजू रोल बहुत सॉफ्ट है, वो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले तैयार हुए हैं। और ऐसे ही हम सारे रोल काट लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे काजू रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों आप मुझको अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आपको फिर से एक बार बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।